हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा कोई भी मतलब, मेरे कंटेंट मैंने नहीं बनाया था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। लेकिन हाँ, क्या हुआ कि कल रात को मैंने एक प्रोडक्ट परचेस किया, तो मैंने सोचा कि इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को मुझे ये इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताना है। तो प्रोडक्ट क्या है और क्यों मैं इसे यूज़ करती हूँ, तो अगर आपको जानना है तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक रिक्वेस्ट करना है कि अगर आपको मेरे कंटेंट और अगर आपको मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अभी प्रोडक्ट दिखाती हूँ। तो बस ये है वो प्रोडक्ट, ये है श्लोका का वाइटनिंग क्रीम, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। ये है श्लोका का वाइटनिंग क्रीम। वाइटनिंग क्रीम का मतलब ये नहीं है कि अगर आप इसे लगा देते हो तो आप फेयर हो जाओगे और आपका जो कलर है वो, कम्प्लेक्शन है वो साफ हो जाएगा। ये क्रीम वैसा बिल्कुल भी नहीं बताता, या फिर मैं भी आपको वैसा नहीं बताऊंगी कि आप इस क्रीम को लगा लेने से आप फेयर हो जाओगे, नहीं। और अगर आपको फेयर, अगर आप आपके कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा बहुत लाइट करना चाहते हो तो आप जो भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टेरॉइड क्रीम आते हैं, लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं उन क्रीम का नाम नहीं लूँगी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सारे क्रीम आप यूज़ ना मत करो, क्योंकि उस क्रीम में ना बहुत सारे हार्श केमिकल होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। एक बात आप सोचिए, अगर कोई भी क्रीम आपको जल्दी से मतलब फेयर कर देते हैं, आप वो क्रीम को ना एक बार लगाओगे रात को और सुबह ना वो आप थोड़ा बहुत आपकी कम्प्लेक्शन ना धीरे 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 लाइट होता जाएगा, मतलब 10-15 दिन में या फिर एक हफ्ते में आप बिल्कुल गोरे हो जाते हो। तो आपको ये बात सोचना चाहिए कि अगर इतनी जल्दी आप उस क्रीम को लगाकर आप मतलब आप साफ हो जाते हो, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारे ऐसे हार्श केमिकल होते हैं या फिर ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं है। जो लोग ब्लीच करते हैं या फिर जो लोग फेशियल करते हैं उन्हें पता ही होगा कि ब्लीच हमारे स्किन के लिए अच्छे नहीं होते, और रेगुलर बेसिस पे तो ब्लीच करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं हमारे स्किन के लिए। तो उस क्रीम में ना बहुत सारे ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं या फिर बहुत हार्श केमिकल होते हैं जो हमारे स्किन को लाइट करते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि वो सारे क्रीम आप यूज़ ना करें। अगर आप अपने स्किन को मतलब मैक्सिमम लोगों की हमारा जो बॉडी कलर है और हमारा फेस का कलर अलग होते हैं, अगर आपको आपकी बॉडी के कलर अगर आपको आपके फेस पे लाना है तो आप सिटी एमपी कीजिए और सनस्क्रीन लगाइए। जब भी आप बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन लगाइए, उससे क्या होता है ना आपके स्किन ना थोड़ा बहुत मतलब टैनिंग नहीं होते हैं, आपके स्किन में थोड़ा बहुत लाइट आ जाते हैं। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप वो स्टेरॉइड क्रीम ना लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है ना आपकी स्किन ना धीरे धीरे कैंसर डेवलप करते हैं। और अभी जैसे कि मैं प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली थी इस प्रोडक्ट, तो ये वैसा कुछ भी आपको ये नहीं बताता कि ये प्रोडक्ट से आप साफ हो सकते हो। हाँ, इस प्रोडक्ट से क्या होता है कि हमारे स्किन में बहुत सारे ऐसे लोगों के जो भी पिंपल्स के निशान होते हैं, या फिर आपको शायद कैमरा में दिखाई दे रहा होगा या नहीं, जैसे कि इस साइड पे आप देख सकते हो मेरे छोटे छोटे मतलब स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स वगैरह जिन लोगों का है, और पिगमेंटेशन के जो भी आप पिक्चर में देख सकते हो, अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जैसे कि आप धूप में आते हो तो उस वजह से क्या होता है ना कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होते हैं, मुझे बहुत सारे काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि हम क्या लगाएं जो हमारे स्किन में ये प्रॉब्लम हट जाए। तो मैं उन्हें रेकमेंड करती हूँ कि आप सनस्क्रीन लगाएं जब भी आप बाहर जाते हो, या फिर आप ये वाला क्रीम यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह के अगर डार्क स्पॉट है, स्पॉट वगैरह है, या फिर कोई पिगमेंटेशन है, आप बहुत इजीली आप इससे रिमूव कर सकते हो। लेकिन हाँ, इससे आप फेयर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इस प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो ये मेरे फोर्थ परचेज है, ये मैंने चौथी बार ये प्रोडक्ट को मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है।
मेरे एक प्रॉब्लम, मेरे स्किन जो है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मैं कुछ भी प्रोडक्ट लगाती हूँ, मतलब कोई भी मेकअप करती हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे मेकअप करना होता है। अगर मैं कोई भी मेकअप करती हूँ ना, उसके बाद मेरे स्किन पे पिंपल्स निकल आते हैं, थोड़े थोड़े, मतलब छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं। तो जब भी मेरे पिंपल्स निकल तो जाते, मतलब ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि छोटे छोटे, मतलब जो स्पॉट्स है ना वो रह जाते हैं। उस स्पॉट्स को कवर करने के लिए और रिमूव करने के लिए मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम आप फेस करते हो, आपकी स्किन पे कोई भी कहीं पे भी डिस्कलरेशन है, या फिर आपकी डार्क सर्कल्स ना थोड़ा बहुत इससे हट भी सकता है, ठीक है, तो अगर आपको ऐसे स्पॉट है आपके फेस पे, तो वो भी अच्छे से आपको रिमूव हो जाता है। और हाँ, अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में इतना सब आपको बता रही हूँ, तो मत सोचना कि ये कोई स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। नहीं, ये मेरी खुद की परचेस है, ये कोई भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट नहीं है। और इस प्रोडक्ट का नाम, अभी मैं इसके प्रोडक्ट के बारे में आपको बताती हूँ, ठीक है। इस प्रोडक्ट का नाम है व्हाइटनिंग क्रीम, और ये है श्लोका का, ठीक है, श्लोका का कंपनी है। मैं इसके स्किन केयर बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, तो ठीक है, अभी इसके बारे में बताती हूँ। तो पहले मैं इसकी पैकेजिंग के बारे में बताती हूँ। तो इसका पैकेजिंग जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हो। इसका पैकेजिंग सिल्वर कलर के पैकेजिंग में आते हैं, और इसमें पिंक कलर के शेड से इसमें, मतलब, पेंट किया गया है। श्लोका कंपनी का है इसका, जो मतलब उनकी जो रेंज है, मतलब स्किन केयर की रेंज को उन्होंने श्लोका नाम दिया है। उसके बाद मैं इसे अभी खोल कर दिखाती हूँ, ठीक है। खोलने के बाद ना ये है प्रोडक्ट, इसे अभी हम निकाल लेते हैं। इसके ऊपर ना एक पॉलिथिन का एक कवर भी था, लेकिन मैंने इसे हटा दिया, क्योंकि कल रात को ही मैंने इसे अप्लाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे स्किन पे जो भी मेरे स्पॉट वगैरह वो सब आ गए थे, तो मुझे उसे जल्दी से रिमूव करना था। तो उस वजह से मैंने कल रात को ही मैंने इसे लगा लिया, और आज भी मैंने लगाए हैं इसे। और अभी इसे मैं इसे खोल के दिखा देती हूँ। सिल्वर कलर की मतलब डब्बे में ये आता है, बहुत ही अच्छा है। और इसे अभी मैं खोल कर बता देती हूँ, ठीक है। खोलने के बाद ना इसमें एक एक प्लास्टिक का ऐसे कवर आते हैं, ये है एक प्लास्टिक का कवर। उसके बाद ना इस कवर को मैं ऐसे हटा देती हूँ इसे। अभी ये इसमें जो है ये है प्रोडक्ट, ठीक है, व्हाइट कलर की क्रीम है, ये है प्रोडक्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ, और मैं साफ हाथ से लेना है आपको, ठीक है। अभी मैं ये अपने हाथ पे लगाकर मैं इसे दिखाती हूँ। सो ये है प्रोडक्ट। क्रीम की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा क्रीम है। अगर आप लोगों की स्किन ऑयली है, तो इस ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और जिन लोगों का ड्राई स्किन है, वो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप उसे यूज कर सकते हो। इसमें मॉइस्चराइजर आइदर आप इसमें मिक्स कर सकते हो, या फिर अगर आप मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी आप इसे लगा सकते हो, तो बहुत ही अच्छे से हमारे स्किन पे ये स्प्रेड भी हो जाता है। आपको इसे दिन में दो बार यूज करना है, तीन बार भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इसे दो बार यूज करती हूँ, सुबह एक यूज करती हूँ और रात को सोने से पहले यूज करती हूँ। रात को सोने से पहले आप जरूर इसे यूज कीजिए, क्योंकि हमारे स्किन जो है ना रात को ही रिपेयर होते हैं। इसलिए नाइट क्रीम वगैरह हो गया, या फिर कोई भी मतलब ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, वो सारे रात को लगाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारे स्किन रात में रिलैक्स करते हैं, और उस टाइम हमारे स्किन पे जो भी प्रोडक्ट हमने लगाए हैं वो ज्यादा वर्क करते हैं उस टाइम। और सिटीएम की, अगर आपको सिटीएमपी जानना है कि क्या है, उसके बारे में मैंने पहले भी अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हो, और आप उस चैनल पे जाकर देख सकते हो, या फिर उसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर दे दूंगी, ठीक है। तो हाँ, जिन लोगों की कोई भी फेस पे कोई भी निशान नहीं है, डार्क स्पॉट्स नहीं है, तो वो लोग आप इसे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे यूज मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके फेस पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आपको इसे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे यूज मत करो। लेकिन हाँ, जिन लोगों का ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह की प्रोडक्ट यूज करें अपने फेस को अच्छे, मतलब बिल्कुल इवन करने के लिए, तो ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। इसके ना इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। ये जो डब्बा है, इसमें 50 ml इसमें प्रोडक्ट रहते हैं इसके अंदर, मतलब बहुत है ना। और इसके जो प्राइस है 270 rupees है। अगर आप
इनके साइट से लेते हो ना, तो इनका इनका साइट में लिंक में डिस्क्रिप्शन मतलब इनके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो और उनकी साइट से ही आप इस प्रोडक्ट को परचेस करो, क्योंकि अगर आप कोई भी ऑनलाइन साइट पे जाकर परचेस करते हो तो शायद ही आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल सकता है। तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप वहां से परचेस करो, आप इनकी साइट पे जाकर परचेस कर सकते हो, और या फिर अगर आसपास इनके कोई स्टोर है तो वहां से भी आप ये प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो। इसमें क्या है ना, ये फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस से, ये फ्रांस से आते हैं। इंग्रेडिएंट्स, पहले इंग्रेडिएंट्स है लेमन एंड टर्मेरिक, ये लिख इसमें ये रेकमेंड करते हैं कि ये सिर्फ डार्क और पिगमेंटेड स्किन के लिए ये है, जो कि जिस वजह से मैं यूज करती हूँ, जो भी मैंने आपको बताया। इसमें इंग्रेडिएंट्स सारे हैं, ग्लिसरीन है इसमें, एक्वा है और इमल्सिफाइंग वॉक्स है, सोडियम हाइरोलोनेट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, एवोकाडो ऑयल है, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं इसमें, बहुत सारे मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स के मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन हाँ कुछ कुछ ले लेती हूँ। विटामिन ई है और ऑलिव ऑयल है, जिंक ऑक्साइड है, टिटानियम डाइऑक्साइड है और बस, और सोया प्रोटीन है, बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स है। तो अगर आप लेते हो तो जो भी है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट्स है इसमें लेमन एंड टर्मेरिक। सो बस ये था प्रोडक्ट। अगर आप इनकी साइट से अगर आप लेते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो बस ये था प्रोडक्ट का रिव्यू। सो आई होप कि प्रोडक्ट आपको मतलब ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल का बटन भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी नए वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और हाँ, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है अमृता दास। उन्होंने मुझे कमेंट किया था, मेरी एक वीडियो मैंने बनाई थी पानी पानी मेकअप लुक रिक्रिएटिंग, उसमें मैंने जैकलिन फर्नांडिस का एक मेकअप लुक रिक्रिएट किया था। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप हेयर कलर के ऊपर एक वीडियो डालो। और तो क्या है ना दी, कि जब भी मेरे पास कोई भी सर्विसेज आते हैं, कोई भी हेयर कलर की हो या फिर कोई भी मेकअप करने के लिए जाती हूँ या फिर कोई भी स्ट्रेटनिंग हो गया, हेयर कलर हो गया, हेयर कट हो गया, तो मैं सारे वीडियो में डालना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि मैं अभी मेरे पार्लर पे मैं खुद अकेली काम करती हूँ। तो इस वजह से ना सूट करने के लिए मेरे में उस मतलब उस सर्विस को कोई सूट करने के लिए मेरे पास नहीं होता, तो इस वजह से मैं बहुत सारे वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपने मुझे कॉमेंट किया है तो थैंक यू सो मच आप कॉमेंट करने के लिए, और इसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। और लेकिन हाँ, देर हो रही है तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ज़रूर इसके मैंने आपको बता दूँ कि हाँ इसी कुछ प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, इसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो हाँ, मैं ज़रूर उस वीडियो को मैं देर से ही सही, लेकिन मैं वो वीडियो ज़रूर डालूंगी अपने चैनल पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है पानी पानी लुक रिक्रिएटिंग, तो आप उसकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग कमेंट करते हो, इससे मुझे बहुत सारे अप्रिशिएशन मिलते हैं। सो आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।